आज हम बात कर रहे हैं बड़नगर शहर की ग्राम पंचायत अझुड़ावदा की मिडिल स्कूल की। यहाँ विगत 3 वर्षों से गणित और विज्ञान इंग्लिश पढ़ाने वाली टीचर नहीं है। इस बात को जानने के लिए हमारे संवाददाता राधेश्याम सावरा स्कूल पहुंचे और यहाँ मिडिल स्कूल के प्राचार्य और बच्चों के माता पिता से जानकारी ली गई है। यहाँ मिडिल स्कूल के प्राचार्य और बच्चों के माता पिता से जानकारी ली है। गांव अझुड़ावदा के मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता ने कहा है कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर काफ़ी कमी है और यहाँ पर बच्चों का भविष्य खराब होते दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल के सभी टीचर मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस गांव में आए दिन कई राजनेता आते हैं, पर इनको तो सिर्फ गाँव की भोली भाली जनता के वोट से मतलब है। इनको गाँव के स्कूलों कोई भी मतलब नहीं है कि गांव के स्कूल में टीचर है भी या नहीं। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि शिक्षा की प्रगति को बदलेंगे। हकीकत देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल में कुछ और ही देखने को मिल रहा। बड़नगर शहर की शिक्षा विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में टीचर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, इसलिए आज शिवराज मामा जी के भांजे और भांजियों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा। वही स्कूल के प्राचार्य ने कहा है कि हमने कई बार संकुल अधिकारी बियासी अधिकारी को बता दिया है, पर अभी तक 3 वर्षों से शिक्षकों की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं हुई है। आज हम ग्लोबल इंडिया टीवी के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि बड़नगर शहर के शिक्षा अधिकारियों का ध्यान शासकीय स्कूलों पर नहीं है, बल्कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहा है। इन शिक्षा अधिकारियों की मिलीभगत से आए दिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिवर्ष कई नए स्कूल खोले जा रहे हैं। इसी की वजह से आज शासकीय स्कूलों की यह हालत हो गई है कि गांव क्षेत्रों के कई शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम दिखाई दे रही। बड़नगर से संवाददाता राधेश्याम सावरा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अभी राधेश्याम सावरा, गांव जो अझुड़ावदा है, यहाँ पर मिडिल और शासकीय स्कूल है। वो यहाँ की मेन जो समस्या है वो टीचर की, या यहाँ पे गणित का 3 वर्षों से यहाँ पे टीचर नहीं है। और इसकी जानकारी के लिए हम यहाँ के जो पालक है स्कूल बच्चों के, तो उनसे हम कुछ बात करेंगे। क्या नाम है भाई? श्रवण सिंह। ये यहाँ पे स्कूल को लेकर जो शिक्षक की क्या कमी है? यहाँ पर गणित और विज्ञान और इंग्लिश के टीचर नहीं है मिडिल में, और यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक है वही माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर आए दिन राजनेताओं का दौरा रहता है, मीटिंगें भी होती है, मगर हमेशा शिक्षक की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमेशा विद्यार्थी भी पढ़ाई सही तरीके से नहीं किया करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि शिक्षा पद्धति को बदलना है, मामा जी कहते हैं कि शिक्षा विभाग को हम बहुत तरीके अलग चेंज करेंगे, मगर ऐसे कैसे बदलाव होगा? यहाँ पर टीचरों की हमेशा कमी रहती है। क्या नाम है आपका? श्रवण सिंह गोयल। सर जी, आप बताइए, शिक्षा को लेकर क्या मतलब जानकारी मिली कि गणित के टीचर नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी सर, यहाँ से 3-4 साल से गणित के टीचर नहीं है, और हमने बार बार ये अवगत भी करा दिया, हमारे राजनीतिक दल वाले को भी करा दिया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ हैं पूर्व विधायक जी हैं सबको अवगत भी करा दिया, हमने मंडल अध्यक्ष जी को सूचना दी है, जिले तक भी हमने खबर करी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। व्यवस्था नहीं हो रही है इसलिए पढ़ाई में दिक्कत आ रही है बच्चों को, बच्चे अच्छे रिजल्ट नहीं बना पा रहे हैं। हमारे जो टीचर हैं प्राइमरी के यही इनको एडजस्ट कर रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ थोड़ी समस्या बाउंड्री की भी है। आए दिन सर टीचर सर बताते हैं कि यहाँ पे कोई आते हैं दारू वारू पी के शिष्या भी फेंक जाते हैं यहाँ पे, बाउंड्री वाल की व्यवस्था भी जरूरी है यहाँ पे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? राम सिंह राठौर। ये यहाँ ऐसे शिक्षा के लेकर लगातार जो विषय गणित है इसको लेकर काफ़ी समस्या आ रही है, और बच्चों को काफ़ी जल्द कई वर्षों से जो 3 वर्ष से जो रिजल्ट आना था वो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? शिक्षकों का कमी कारण नहीं आ रहा है, मेन कारण तो यही है। अब 5 शिक्षक हैं, 8 क्लास हैं, तो क्या करेंगे 5 शिक्षक? इसको देखना चाहिए अभी। इसके लिए आपने कहाँ से सूचना करी है? अब टीचरों ने समस्या सूचना करी है, गांव ग्रामीणों ने जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने सूचना करी है, हम भी देख रहे हैं, पर क्या करें, देखते रह जाते हैं। कुल मिला काम वही पेंटिंग में चल रहा है। भाई साहब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल है। ये जो आपके गांव अझुड़ावदा के अंदर एक समस्या जो आ रही है शिक्षकों को लेकर काफी, और इसको लेकर भी हमने भी यहाँ जाना से, तो मेन समस्या यहाँ पे शिक्षकों की है, तो शिक्षक को लेकर मतलब क्या शिक्षक होना चाहिए यहाँ पे? सर जरूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक नहीं होंगे तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा बच्चों को, तो इसलिए हम यही करते हैं, सरकार से भी निवेदन करते हैं यहाँ टीचर की व्यवस्था करवाएं।
अभी हमने कुछ यहाँ पे ग्रामीण जनों से बात करी, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पे शिक्षक की जो व्यवस्था नहीं है, यहाँ बच्चे भी कम से कम 135 करीब बच्चे बताए जा रहे हैं, और यहाँ पे प्राइमरी की जो टीचर है वही इस मिडिल स्कूल को हैंडल कर रहे हैं, और यहाँ मेन समस्या हो रही है गणित की टीचर की। यहाँ पे विगत 3 वर्षों से यहाँ पे गणित की टीचर नहीं है, तो इसको लेकर सरकार जो लंबी लंबी बातें करती है कि शिक्षा को सुधारा जाए, हम शिक्षा ये करेंगे, और शिक्षा को लेकर राज्य सरकार भी लंबी लंबी बातें करती है कि भांजे और भांजी की सुविधा मिले, पर हकीकत यहाँ देखा जाए तो कुछ और ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मेरा नाम दशरथ लाल गढ़वाल है। आप इसमें कौन से पढ़ते हो? मैं प्राथमिक प्रधान अध्यापक। यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर व्यवस्था बच्चों की, यहाँ हमारे मिडिल स्कूल में 3 वर्षों से मिडिल स्कूल में कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए हमें बच्चों के लिए बहुत समस्या पढ़ाने में बहुत समस्या है। इसको लेकर आपने कहाँ तक मांग कर रहे हैं? स्कूल में हम हमेशा ही लिख के दे रहे हैं, और मासिक पत्रक हमेशा जो लेते हैं उसमें हम शिक्षकों की जो लिखते हैं उसमें हम पाँचों शिक्षक की लिखते हैं। आपके आवेदन देने के बाद शिक्षा अधिकारी आया अभी तक? कोई नहीं आया। बीओ या बीआरसी? यहाँ कोई भी नहीं। हालांकि संकुल की उनको जानकारी है कि यहाँ पे बच्चे? हाँ, जानकारी सभी दूर है। हम प्रत्येक माह जो छात्र उपस्थित और शिक्षक उपस्थित पत्र देते हैं उसमें शिक्षकों की जानकारी और बच्चों की जानकारी जाती है, हमें यूटाइज के माध्यम से भी हमारी जानकारी जाती है। सर जी, क्या नाम है आपका? जयशंकर पाटिल। ये जो बच्चों की शिक्षा को लेकर जो शिक्षक की कमी है, इसको लेकर क्या व्यवस्था लेकर? सर, यहाँ पर मिडिल स्कूल में कोई टीचर नहीं है, विषय वाला कोई भी टीचर नहीं, 3 साल हो गए हम प्राइमरी वाले टीचर ही। कितने टीचर हो आप यहाँ? हम 5 हैं, और हम 5ों टीचर प्राइमरी के हैं, मिडिल में कोई भी टीचर नहीं है। इसके जो बच्चों का जो गणित का विषय है जी, उसको लेकर आप किस तरह एडजस्ट करते हो? हम पढ़ाते हैं, हमारे सर हैं रोटी जी, वो इंग्लिश मतलब गणित पढ़ाते हैं और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ऐसे के शिक्षक भी पिछली बार रहे। आपका सुनना? यस सर। अभी हम अगर बात करें यहाँ पर शिक्षा को लेकर, यहाँ पे जो स्कूल पाचार इन्होंने स्पष्ट जानकारी दी कि यहाँ पर मिडिल स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है, अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में तमाम अधिकारी और तमाम जो राजनेता घूमते रहते हैं, पर हकीकत देखा जाए तो यहाँ कोई स्कूल जगह किसी भी निगाह नहीं है। अगर वाकई देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश शिवराज सरकार है वो लगातार भांजे भांजे लंबी लंबी बातें करते हैं, पर हकीकत देखा जाए तो यहाँ इस स्कूल के अंदर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो प्राइमरी के टीचर हैं वही इस मिडिल स्कूल को एडजस्ट कर रहे हैं। मैं हूँ पढ़ने का सहजर आलिशान सावरा, ग्लोबल इंडिया टीवी।